खिलाफ दरगाह नाजिम शकील अहमद में धमकी देने का मुकदमा दर्ज करवाया है। भूगा मेड़ी का वीडियो दो दिन से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा है कि अगर अमरनाथ यात्रियों पर कोई भी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया जाता है तो अजमेर दरगाह आने वाले जायरीनों को इसका अंजाम भुगतना होगा। इस मामले को लेकर दरगाह नाजिम ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के खिलाफ दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अरे देशवासियों, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, अगर वहां कोई भी आतंकवादी गतिविधि की गई, वहां हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया गया तो राजस्थान में अजमेर दरगाह पर आने वाले हज यात्री अपने आप को सुरक्षित ना समझे। वहां भी करनी सेना हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी है। ये याद रखना इस बात को, जय मां भवानी, जय करनी सेना। देखिए एक वीडियो है जिसमें कि ये एलिगेशन है कि वो जो जायरीन आते हैं अजमेर दरगाह पर दर्शन करने के लिए उनको धमकी दी गई है। उस वीडियो के बेसिस पर अजमेर दरगाह नाजिम ने मुकदमा दर्ज करवाया, जो मुकदमा दरगाह थाने में दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान शुरू कर दिया गया। करनी सेना के अध्यक्ष ने जो बयान देकर व्हाट्सएप के ऊपर में एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग अपना प्रचार करने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए देश के अंदर में हिंदू मुसलमान संगठनों को बदनाम करने के लिए और हिंदू मुसलमान की एकता को बिगाड़ने के लिए ये ऐसे कार्य कर रहा है।